अभी सीरीज का आप दूसरा ब्लॉग देख रहे हैं और अभी हम लोग एयरपोर्ट से जा रहे हैं मेट्रो के लिए। मेट्रो से जाएंगे भाई दक्षिणेश्वर मंदिर, देखते हैं कितना दूर है पता नहीं है। हम लोग ओला बुक कर लिए, ओला से जा रहे हैं मंदिर के लिए क्योंकि ये कंफर्टेबल है, ये दिस इज कंफर्टेबल कार। ये देखिए हम लोग कोलकाता के सिटी के अंदर आ जाए हैं, क्या काफ़ी प्यारा शहर है, मतलब साफ सुथरा एकदम है क्लीन। बाकी हम लोगों को कैब मिल गई है, स्विफ्ट गाड़ी से जा रहे हैं हम लोग, पहुंच जाएंगे 10-15 मिनट में पहुंच जाएंगे लमसम। और प्रसाद ले लिए, अभी हम लोग लाइन में लगे हैं अपना ये बैग जमा करने के लिए, लाइन बहुत लंबी है, देख कर 5-6 लाइनें लगी करीबन, इधर से आए हैं लोग इधर से, अब वो लाइन देखो कितनी लंबी लाइन लगी। दर्शन कर लिए, दर्शन करके आ गए, दर्शन करने में करीब 1-1.5 घंटा लगा है, 12:30 बज गया है और हम लोग मार्केट करने जा रहे हैं, थोड़ी बहुत देख लें क्या क्या मार्केट, उसके बाद खाना खाएंगे। खाना खाने के लिए भीड़ बहुत है अभी यहाँ पे, बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा। हम लोग छोला भटूरा आ चुका है और लस्सी मंगाई, लस्सी पिया जाएगी। ये यहाँ की कुछ लोकल मार्केट है, यहाँ से लोकल मार्केट कुछ से जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं ये रोज, कहाँ जा रहे हम लोग, मैदान मैदान जा रहे हम लोग, बैठ गए मेट्रो में, यहाँ से भी करीब 7 किलोमीटर है। अभी हम लोग टैक्सी में बैठ ली है, टैक्सी से जा रहे हैं बिरला सी में, बिरला ये वाली पीली वाली टैक्सी, तारामंडल लगे और तारामंडल की टिकट लेने का है जस्ट मुझे, और ये इधर तारामंडल अभी दिखाएंगे अंदर कर बैग एंट्री हुई मोबाइल की। हाँ जी, अभी हम लोग आ चुके हैं तारामंडल में, अब यहाँ पे शो चलेगा, अभी अंधेरा है यहाँ पे, देख सकते हैं बाकी सब लोग आ रहे हैं, हम लोग भी एंट्री कर लिए हैं, देखिए सब लोग आ रहे हैं, अभी अंधेरा है यहाँ पे, ये ऊपर चलेगा कुछ तारामंडल शो, अगर अलाउ होगा तो दिखाएंगे आप लोगों को क्या होता है इसमें। ये देखिए वहाँ से एंट्री हो रही, लोग ये यहाँ से एंट्री हो रही है, इसमें शो चलेगा आज करीब 45 मिनट का शो चलेगा, तारीख पे नया वो डाल। ये देखिए धीरे धीरे सब लोग आते जाते आ जा रहे हैं और धीरे धीरे फुल हो जाएगा, करीब 250 आदमी बैठ चुका है और करीब 500 की कैपेसिटी है इसके अंदर, और अभी 2 बजे स्टार्ट होगा, अभी 5 मिनट बाकी रह गए हैं। पक्के हमारे ये बैठे हैं गुरु जी, गुरु जी बैठे हैं, जय गुरु जी बैठे हैं, अंदर से हम लोग निकल चुके हैं क्योंकि अंदर वीडियो ना अलाउ नहीं था, लेकिन जो शो चला बहुत अच्छा चला, अब क्या बताएं बढ़िया चला फिलहाल। 2 से 2:30 बजे तक ये हिंदी वाला शो है, बाकी यहाँ पे सभी शो होते हैं, सभी मतलब सभी भाषा में शो होते हैं। अब हम लोग बाहर निकल रहे हैं, बाकी लोग उधर से निकल चुके हैं, अब हम लोग जा रहे हैं शायद म्यूजियम जाए देखने, म्यूजियम सामने ही है और विक्टोरिया हॉल भी सामने है, विक्टोरिया रानी का जो बना हुआ है ना पहले अंदर गया नहीं देखने, लेकिन वही होगा अच्छा वो जो देखो। अब हम लोग आ चुके हैं इंडियन म्यूजियम, ठीक है, और काफ़ी चीज़ देखिए, काफ़ी बड़ा है, पीछे देखिए पीछे कितनी बड़ी गैलरी है, पहले महल हुआ करता होगा लेकिन अब इसको शायद म्यूजियम कर दिया है, ऐसे कुछ होगा, बाकी बड़ा बहुत है देखिए चार, ये देखिए नीचे बहुत बड़ा बना हुआ म्यूजियम, ये देखिए कितनी सारी चीज़ें बनी हुई है, वो हाथी है छोटा हाथी, ये देखिए हाथी की हड्डियाँ अवशेष हैं, ठीक है कितना बड़ा हाथी, ये देखिए ये सब खाले हैं, ये सब खाले हैं देख रहे हैं आप, और इधर देखिए हाथी के दांत रखे हुए हैं, ये देखिए क्या है इसको पहचानिए आप लोग, ये देखिए हिरन बड़ा वाला उसकी खाल है, खाल को पहनाया गया है, बाकी इधर देखिए चारों तरफ ये बंदर हैं, ये जंगली सुअर है, ये जंगली सुअर हो गया, ये हिरन है, सब जंगली हिरन है, ये देखिए क्या है, ये देखिए क्या है इसके पास जंगल, ये मोरा, ये वेल मछली के वो हैं अवशेष, ये जो रखे हैं ये वेल मछली के अवशेष हैं, ये देख रहे हैं जो आप, और ये देखिए ये क्या है, अरे एक से एक अजीब चीज़ कतई ही अलग, आप लोग पहचानिए टाइगर नहीं है, हिरन टाइप्स हैं कुछ, ये सब हिरन टाइप्स हैं, ये भी ये शायद गधा नीलगाय खाल, ऊपर से खाल पहनाई गई ना, ये नीलगाय बड़ी वाली है नीलगाय, ये इधर देखिए हाथी फिर से, और इधर देखिए ये सब, ये याक है, ठीक है
और ये देखिए ये भी हिरन है सामने वाला भैया। इसमें देखिए रस्सी पुराने जमाने की, ये तो ताला रखो, ये ताला रखा है, ये माइक है बोलने वाला, चश्मा देखो ये हो गया है। लिखा है उसमें माइक, ये वो माइक टॉर्च है, सॉरी टॉर्च है। घड़ी देखिए, सब अजीब गरीब चीज़ है। रूम पे आ चुके हैं और अब जा रहे हैं खाना खाने। खाना खाने के बाद ब्लॉग, मतलब ब्लॉग खत्म कर देंगे। खाना खाने के बाद थोड़ा दिखा देंगे, उसके बाद ब्लॉग खत्म कर देंगे।